मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में हर्ष का माहौल है। आगरा में भाजपा सुभाष मंडल द्वारा मीरा हुसैन चौराहे पर मिष्ठान वितरण किया गया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष विजय शिवहरे मौजूद रहे और मिष्ठान वितरण कार्यक्रम में भाग लेकर माहौर समाज के लोगों को भाजपा का भरोसेमंद कार्यकर्ता बताया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आगरा लाने का वायदा भी किया। अपना व्यक्ति, अपने समाज का व्यक्ति, समाज की सेवा के लिए देश के सर्वोच्च स्थान पर जब देश का राष्ट्रपति बनता है तो निश्चित तौर पर समाज के अंदर जोश और खरोश रहता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मीरा सैनी मंटोला पैराज उस कोली समाज के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बहुत बड़ा आयोजन आज किया जा रहा है और इतना ऐतिहासिक सजावट भी हो रही है, साउंड भी बज रहा है, मिष्ठान वितरण भी हो रहा है। निश्चित तौर पर ये समाज अपने आप को गौरवान्वित होए, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को कि अंतिम पाय तक जाना वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखा है। शीर्ष नेतृत्व ने रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाकर एक नया आयाम लिखा है। निश्चित तौर पर अभी उन्होंने शपथ ली है, शपथ लेने के बाद हम प्रयास करेंगे कि वो प्रथम दौरा उनका आगरा रहे और ये समाज उनको हाथोंहाथ लेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जो भी घटनाएं घटी हैं, आगरा प्रशासन उसको खोलने का बहुत जल्दी प्रयास कर रहा है, कुछ घटनाएं खोली भी हैं। ऐसा अगर घटना घटी है तो निश्चित तौर पर आगरा पुलिस प्रशासन तत्काल उन घटनाओं को खोलेगा। इस मौके पर भाजपा सुभाष मंडल के अध्यक्ष पिंकी सक्सेना भी मौजूद रहे और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। हमने अफसरे काफी दिनों से देखा और 77 से ही देखते चले आ रहे हैं कि कुछ लोग हैं समाज के जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए क्या किया। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये समझा दूं और ये बता दूं कि 1984 में पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से रोशनलाल महार जी को इलेक्शन लड़वाया, उसके बाद 89 में नंदकिशोर प्रमी जी को एतमादपुर से चुनाव लड़वाया, उसके बाद 2005 में अंजना सिंह महार को लड़वाया। मैं वही बताऊंगा, जो लोग कहते हैं उनको जवाब दे रहा हूं मैं। और अब रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने के उपलक्ष्य में मैं विनय कुमार महार, महार कंस्ट्रक्शन का प्रोपराइटर, लड्डुओं का वितरण कर रहा हूं, जिससे कि समाज के लोगों को पता पड़े कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये करते हैं लेकिन बोलते नहीं है और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं वो करते नहीं है। जय हिंद। जब आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद ने देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है, जिसको लेकर माहौर समाज में भी खुशी की लहर है। समाज के बुद्धिजीवियों ने भाजपा के प्रति सकारात्मक बातें करते हुए माहौर समाज को दिए सम्मान की तारीफ की। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि अन्य पार्टियों में सम्मान पाने के लिए संघर्ष करने वाले माहौर समाज को भाजपा द्वारा मिले सम्मान से 2019 में फिर से कमल खिलाने में किस तरह का साथ मिल पाता है। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।